Good morning class. So today we are going to start a question. अब question में हमें क्या find करना है? Composition series find करनी है cyclic group of order 30 की. तो इस type के questions आपके paper में आते हैं. So इस pattern पे based जितने भी question हैं आपको सारे solve करने हैं. मैं सिर्फ आपको एक solve कराऊंगी. तो let's start कि कैसे हमें solution find करना है. तो जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 30, ये तो हमें गिवन है. हमें इस ग्रुप के लिए कॉम्पोजिशन सीरीज फाइंड करनी है. सो इफ़ दिस इज़ अ साइक्लिक ग्रुप तो ये जनरेटेड होगा किसी एलिमेंट से एंड लेट दैट एलिमेंट बी ए. देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 30 और हमें पता है साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, जितना उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है. सो ऑर्डर ऑफ ए इज़ ऑल्सो 30. 30 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर मैं करूं दैट इज़ 2 × 3 × 5. और एक ये रिजल्ट यूज़ होने वाला है कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं. तो इफ़ ऑर्डर ऑफ ए, अगर हमें ऑर्डर ऑफ ए पता है कि वो कितना है, n है, तो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर r का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ n बाय जी सी डी ऑफ n एंड r. और हम जी सी डी को ऐसे भी लिखते हैं ना ओपन ब्रैकेट्स में n कॉमा आर करके. तो ये सिर्फ इसलिए ताकि हम a की पावर्स, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो उसकी पावर्स का ऑर्डर हम फाइंड कर सकें. तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चन में. तो अब देखते हैं, अब हमें देखो क्या बनाना है. सब ग्रुप्स चाहिए तभी कॉम्पोजिशन सीरीज आएगी. सब ग्रुप्स चाहिए, फिर वो सब ग्रुप्स नॉर्मल होने चाहिए, देन नॉर्मल के बाद उनके जो फैक्टर ग्रुप्स हैं वो सिंपल होने चाहिए. तीन चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहले जब हम कॉम्पोजिशन सीरीज़ या नॉर्मल सीरीज़ फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट तो हम पूरा का पूरा ग्रुप ही लेते हैं. तो जी इज़ इक्वल्स टू जी नॉट एंड जी नॉट इज़ जनरेटेड बाय ए. अब हमें क्या करना है, सब ग्रुप्स लेने. तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर कौन है, 2. तो 2 से स्टार्ट कर लें, वैसे 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैंने G1 ले लिया जनरेटेड बाय ए स्क्वायर और G2 ले लिया जनरेटेड बाई a^6 एंड G3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. ये सब, ये जो G1, G2, G3 है ये आपको इसी टाइप से सेट करना है कि ये सब ग्रुप्स बने. देखो G1 क्या है, जनरेटेड बाई a^2. तो मैंने G2 को जनरेटेड बाई a^6 क्यों लिया, क्योंकि a^6 a^2 से तो जनरेट होती है. a^2 का अगर आप क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें a^6 मिल जाएगा. तो दैट मीन्स G1 के एलिमेंट्स की हेल्प से हम G2 को बना सकते हैं. तो दैट मीन्स G2 इज़ कंटेन्ड इन G1. देखो ये नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, a^6 इज इक्वल्स टू a^2 और उसका क्यूब. सो दिस मीन्स कि जो भी एलिमेंट जनरेटेड बाय a^2 हैं दैट आर इन G1. और ये हमने कहाँ से लिया था, a^6 G2 से लिया था. G2 का एलिमेंट G1 में कंटेन्ड है. तो दैट मीन्स G2 इज़ अ सबसेट ऑफ G1 और ये क्या है, ग्रुप्स हैं. तो दैट मीन्स G2 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G1. अब G क्या है, साइक्लिक. ठीक है, G साइक्लिक है तो साइक्लिक ग्रुप अबीलियन होता है और अबीलियन का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है. तो ये जो सब ग्रुप्स हमने फॉर्म किए ये नॉर्मल भी हो गए. तो दैट मीन्स अगर मैं एक सीरीज बनाऊँ G is equals to G0, G1, G2, G3 and G3 is identity. तो ये सीरीज कैसी हो गई, नॉर्मल सीरीज हो गई, क्योंकि ये सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं. डन. अब बचा कि हमें इसको क्या प्रूफ करना है कि दिस इज अ कॉम्पोजिशन सीरीज. तो कॉम्पोजिशन सीरीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर ग्रुप्स का, फैक्टर ग्रुप्स चाहिए होते हैं और फैक्टर ग्रुप सिंपल चाहिए होते हैं. और सिंपल कौन होता है, प्राइम ऑर्डर वाले सिंपल होते हैं. तो हमें फैक्टर ग्रुप्स के ऑर्डर को प्राइम प्रूफ करना है. तो फैक्टर ग्रुप्स के ऑर्डर्स के लिए पहले ग्रुप के ऑर्डर्स चाहिए होंगे. तो ग्रुप के ऑर्डर्स पहले फाइंड करते हैं बाई यूजिंग द फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, ऑर्डर ऑफ a^2 इज इक्वल्स टू n बाय gcd ऑफ n कॉमा r. तो ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ a^2, क्योंकि G1 इज जनरेटेड बाय a^2 और G1 इज अ साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम ही होता है. तो ऑर्डर ऑफ G1 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a^2 एंड a^2 का ऑर्डर मीन्स n क्या है यहाँ पे, 30. डन. n क्या है, 30, क्योंकि a का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g एंड ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू 30. तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज 30.
तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ ए मीन्स एन डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ एन कॉमा आर, और आर क्या था, जिस पावर का हमें फाइंड करना है। तो एन आ गया 30, हमें किसका फाइंड करना है, ए स्क्वायर का, तो जी सी डी ऑफ 2 एंड 30। 2 एंड 30 की जी सी डी कितनी होती है, 2, तो 30/2 इज इक्वल्स टू 15, तो G1 का ऑर्डर आ गया 15। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ G2, G2 का ऑर्डर, G2 इज जनरेटेड बाय a^6, सो ऑर्डर ऑफ G2 इज सेम एज ऑर्डर ऑफ a^6, एंड बाय यूजिंग द फार्मूला ये क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ 6 एंड 30, क्योंकि हमें r के प्लेस पे क्या है, 6 है, डन। तो 6 और 30 की जी सी डी 6, सो 30/6 इज 5। देन नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ G3, इसके तो फाइंड करने की नीड ही नहीं है, G3 इज आइडेंटिटी और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। अब बात आती है फैक्टर ग्रुप्स की, तो फैक्टर ग्रुप्स के अगर ऑर्डर प्राइम नंबर्स आ गए तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि प्राइम नंबर्स का जो ग्रुप होता है दैट इज अ सिंपल ग्रुप, और हमें सिंपल ग्रुप ही प्रूफ करना है। तो G0/G1 का ऑर्डर, तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G0 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G1, G0 का ऑर्डर 30 है एंड G1 का ऑर्डर अभी फाइंड किया है 15, सो 30/15 इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ गया, प्राइम नंबर। देन ऑर्डर ऑफ G1/G2, तो ऑर्डर ऑफ G1 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G2, देन ऑर्डर ऑफ G1 इज 15 एंड ऑर्डर ऑफ G2 इज 5, तो 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15, तो ये आ गया 3, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ G2/G3, तो ऑर्डर ऑफ G2 बाय ऑर्डर ऑफ G3 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 1, तो 5/1 is 5। तो ये तीन फैक्टर ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे, तीनों फैक्टर ग्रुप्स का ऑर्डर क्या आया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का ग्रुप सिंपल। सो आगे ये मेंशन भी किया हुआ है, सिंस अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, देयरफॉर 1 इज अ नॉर्मल सीरीज फॉर G विद सिंपल फैक्टर ग्रुप्स, and this implies 1 is a composition series for G। अब देखो मैंने जो स्टार्ट किया था ना, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, ए स्क्वायर लेके G1, देखो G इज इक्वल्स टू G0 तो लेना ही है। जो पहला हम सब ग्रुप ले रहे हैं वो मैंने क्या लिया था, जनरेटेड बाय ए स्क्वायर, तो आप लोग ए क्यूब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरे को 2 ही लेना है या 3 ही लेना है, बस हमें बनाना इस टाइप से है कि वो नॉर्मल ग्रुप्स भी बने, मतलब सब ग्रुप्स बने, नॉर्मल तो वो खुद ही बन जाएंगे साइक्लिक होगा तो सब ग्रुप्स भी बन जाए, सब ग्रुप्स की चेन मिल जाए, और जब हम उनके फैक्टर ग्रुप्स का ऑर्डर फाइंड करें तो वो प्राइम नंबर्स आए, सो दैट के हमें पता है कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, तो फैक्टर ग्रुप्स सिंपल हो जाएंगे। सो बिल्कुल सेम आप लोग खुद से करके देखेंगे कि अब इस बार हम क्या लेंगे, G इज इक्वल्स टू G0, वो तो सेम ही है, G1 हम क्या लेंगे, जनरेटेड बाय ए क्यूब, G2 मैंने सेम ही लिया है a^6, क्योंकि हमें क्या लेना है, G1 का सब ग्रुप लेना है, और G1 का सब ग्रुप अगर लेना है तो वो जनरेटेड बाय a^3 ही होना चाहिए, तो a^3 से जनरेट होने वाला a^6 ही है। अब a^5 तो नहीं हो सकता ना a^3 से जनरेटेड, तो हमने G2 से ही रखा और G3 पे तो हमने एंड ही कर दिया आइडेंटिटी। तो इसके बाद आप लोग बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे कि हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल सब ग्रुप लिखेंगे, फिर हम ऑर्डर ऑफ G1 निकालेंगे, G2 निकालेंगे, G3 निकालेंगे, G3 तो आइडेंटिटी है तो 1 ही आएगा। देन आप लोग चेक करेंगे कि फैक्टर ग्रुप्स जो निकाले हैं उन फैक्टर ग्रुप्स का ऑर्डर प्राइम आता है या नहीं, अगर प्राइम आ गया तो वो भी क्या होगी, कॉम्पोजिशन सीरीज होगी। और बाय जॉर्डन होल्डर थ्योरम कॉम्पोजिशन सीरीज तो आपको मिल गई बट उसकी लेंथ वही सेम होगी। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।